नालछा में श्री खाटू श्याम सरकार के भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया। सोमवार को तेजादशमी के पावन पर्व पर खाटू वाले श्याम सरकार का भव्य दरबार को आकर्षक विद्युत सज्जा व फूलों से सजाया गया। बाबा को 56 भोग की प्रसादी लगाई गई, इत्र व पुष्प वर्षा की गई। दरबार महकता रहा। रात्रि 9 बजे से श्याम प्रेमियों ने पावन ज्योत के दर्शन कर धोग लगाई। खाटू श्याम कीर्तन में बड़ी संख्या में ग्राम व आसपास के ग्रामों से आए श्याम प्रेमियों ने बाबा की ज्योत में आहुति डाल अपनी हाजिरी लगाई। कार्यक्रम में पधारे गायक कलाकार व संगीत पर संगत देने वाले सभी कलाकारों का श्री श्याम परिवार के द्वारा सम्मान करने के बाद रात 9 बजे से धामनों से पधारे माधव अग्रवाल ने श्री गणेश वंदना से कीर्तन का श्री गणेश किया, जिसके बाद जयपुर राजस्थान से पधारी भजन गायिका सुरभि चतुर्वेदी ने कीर्तन की। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, ओहो मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, रात बाबा आस्थाने आनो है, सहित अन्य भजनों से श्याम के दरबार में अरदास लगाई। श्याम प्रेमियों ने ताली बजाकर बाबा को रिझाया। कीर्तन में श्रद्धालु जमकर झूमे और नाचते गाते हुए पूरा पांडाल बाबा श्याम के जयकारों से गूंजता रहा, जिसके बाद अल सुबह महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण कर भजन संध्या का समापन हुआ। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। अनुभव तो मेरा मतलब बहुत अच्छा ही रहा है, और इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना क्योंकि ठाकुर जी का कीर्तन जो है हमारे परिवार में चलता रहता था, तो बचपन से ही मुझे ऐसा वातावरण मतलब मुझे मिला है। और जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि आज के कीर्तन में भी हमने देखा है, तो युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बाबा के कीर्तनों से जुड़े और कीर्तन का माध्यम बने, क्योंकि इससे अच्छा क्षेत्र, इससे अच्छा कोई मार्ग, कोई रास्ता मुझे मतलब लगा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी से जुड़ने का हमारा सौभाग्य मतलब होता है, और कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी इसके द्वारा मिलते हैं। तो जो युवा पीढ़ी है जो बहुत गलत रास्ते पर आज जा रही है, तो मेरा सभी को यही संदेश है कि आप ठाकुर जी के कार्य से जुड़ें ताकि आप गलत राह पे जाने से बचें और अपनी संस्कृति को बनाए रखें। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे आपके माध्यम से? महिलाओं को तो मेरा यही संदेश है कि वो सशक्त बने, क्योंकि आज के माहौल में हम जो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ गतिविधियाँ ऐसी गलत हो रही है स्त्रियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, तो वो अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें और अपने परिवार के साथ में जुड़े रहें। आपका नाम? मेरा नाम सुरभि चतुर्वेदी, जयपुर से। आप जो एकाधिक कोई भजन की प्रस्तुति दे सकते हैं दर्शकों के लिए? छोटी सी दो लाइन में कोई भी। मैं मीरा बाई जी का पद सुनाऊंगी, जिस भजन से मेरे गायन की शुरुआत हुई थी। शाम आओ तो सरी रे मोहन आओ तो सरी, माधुर मंदिर में मीरा एकली खड़ी हो, मोहन आवो तो सरी रे मोहन आवो तो सरी, माधुर मंदिर में मीरा एकली खड़ी।